दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ झांसी की दो मशहूर और सबसे बड़ी थाली दिखाने, जिसमें 32 से भी ज्यादा चीजें परोसी जाती हैं। और यहाँ पर बाहुबली थाली और कश्मीर टू कन्याकुमारी दो थालियाँ मिलती हैं, जिसमें इनकी बाहुबली थाली पर तो 50,000 रुपए तक का इनाम भी रखा गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी मेकिंग देखते हैं और आज आपको खा करके भी बताते हैं। हमारी जो बाहुबली थाली है इसमें 4 से 5 जो है पनीर की सब्जी होती है, फिर उसमें मलाई कोफ्ता हुआ, दाल है, दाल मखनी है, और भी 2-3 तरह के राइस हैं, 4 तरह के बेवरेजेस हैं, और कम से कम 4 से 5 तरह की ब्रेड्स हैं, तो रह गई स्वीट्स भी हैं इसमें, हाँ बिरयानी भी है इसमें, हैदराबादी बिरयानी। हमारी एक और थाली है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसमें और भी चीज़ें आइटम जैसे डोसा हुआ, इडली वगैरह, ये भी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड हो जाती है। थोड़ा वो क्या है कि उसमें डिशेस कम हैं, लेकिन एक फैमिली के हिसाब से वो पर्याप्त है कि 3 से 4 लोग आराम से उसको भरपेट खा सकते हैं। बाहुबली थाली में हम लोग 6 लोगों को अलाउड करते हैं, तो 6 लोग भी पेट भर जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है। बाहुबली थाली में एक तो हम लोगों ने चैलेंज भी रखा हुआ है, अगर 2 लोग 45 मिनट में इसको पूरा ख़त्म करते हैं तो 50,000 रुपये ऑन स्पॉट हम देंगे, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। आप आइए, चैलेंज करिए, अगर आप खा लेते हैं उसको फिनिश कर देते हैं, आप ऑन स्पॉट लेके जाइए। 1699 की हमारी बाहुबली थाली है और 999 की हमारी कश्मीर टू कन्याकुमारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं हूँ अभी झांसी में, और आज मैं आ गया हूँ सरवरिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि झांसी का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। तो अब हम चलते हैं अंदर, आइए उसकी पूरी मेकिंग देखते हैं और आपको बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। चलिए, तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं अपन आज? मैं बना रहे हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर जी, तो ये है हमारी बाहुबली थाली और इसमें अभी एक एक करके वो सारी डिशेस लगाई जाएंगी। तो ये आ गया जी बनारसी दम आलू, इसका जो बैगन का भरता, छोले मसाला, पनीर, 2 प्याजा, ये देखिए एक एक करके आते जा रही हैं। पनीर पसंद, मटर मशरूम, मशरूम मसाला, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, मटर पनीर, पनीर खुरचन, वेज जाल फ्रेजी, पनीर रजवाड़ी, पनीर बटर मसाला, पनीर लवाबदार, वेज कोफ्ता, जी सर दाल मखनी, जीरा आलू, मिक्स वेज मलाई कोफ्ता, मटर मेथी मलाई, शाही पनीर, बाहुबली बिरयानी, वेज बिरयानी, जी दाल फ्राई, बटर दाल फ्राई, सर सांभर चटनी, गरी चटनी, सर हमारा मसाला डोसा, जी सर पनीर टिक्का, रसीली बंगाली, राजभोग, सर मोती, सर गुलाब जामुन, रसमलाई, जी सर सैलड, जी सर ये है ब्रेड, जो बटर नान है सर, मिस्सी रोटी, बटर रोटी, लच्छा पराठा, टप नान, गार्लिक नान, माजा, जंजीरा, लस्सी, लिमका। तो ये है जी हमारी बाहुबली थाली। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी और कितनी वैरायटी इसमें आ गई। देखो ये बाहुबली थाली कम से कम भी 7 से 8 लोग खाते हैं। मैंने ये सिर्फ थाली लगवाई है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि बाहुबली थाली की क्या प्रिपरेशन रहती है, इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। टेबल बढ़ चुकी है, तो क्योंकि हम 4 लोग हैं टीम में तो हम खाना नहीं वेस्ट करेंगे, तो हम कश्मीर टू कन्याकुमारी थाली लगवाते हैं और वो आपको खा करके जायका बताएंगे। चीज़ें लगभग इसमें सेम ही रहती हैं, सब्जियाँ और कुछ क्वांटिटी कम हो जाती है, बट ठीक है, फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सर वो थाली लगवाएं हम? बिल्कुल। ये आ गई है हमारी कश्मीर टू कन्याकुमारी थाली, आप देख सकते हो ये बिल्कुल मैप की तरह है, और ये आ गई है और ये रखी जा रही है अभी हमारी यहाँ। ये है माहौल झांसी का, ये देखिए, ये जो जगह है वो है सरवरिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स, जो कि झांसी के इलाइट चौराहे पर है और ये बहुत ही फेमस है। झांसी के लोगों की बात करें तो झांसी के लोग ज़्यादातर जो स्वीट डिश है या फिर अगर फाइन डाइन अगर उन्हें खाना खाना होता है तो वो लोग सरवरिया ज़रूर आते हैं। आई थी एक तो इनकी जो बाहुबली थाली है जिसमें मैंने आपको बताया 32 से भी ज़्यादा डिशेज होती हैं, और एक ये थाली है जो 4 लोग खा सकते हैं आराम से, और जो बाहुबली थाली है उसको 7 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, कुछ चीज़ें इसमें कम हो जाती हैं लेकिन जो रेगुलर चलती हैं चीज़ें, जो रेगुलर लोग डिमांड करते हैं खाने के लिए या जो ऑर्डर करते हैं, वो सारी चीज़ें कश्मीर टू कन्याकुमारी थाली में आ जाती हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये है प्रिपरेशन आपके सामने। और ये एक्चुअली क्या थाली मेरे को बहुत यूनिक लग, इंडियन मैप का वो बहुत सही लग रहा है। तो अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ 3 तो पनीर की 2 दाल दी हैं, और ये नीचे अगर आप है मुझे साउथ की तरफ आएंगे
मैप, और उसके अलावा रायते इसमें है, स्वीट डिश भी है, और ये कुछ स्टार्टर भी है, और कुछ ये ब्रेड्स, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का आप देख सकते हो, प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया। और इसको हम ले लेते हैं पहले यहाँ, और इसके ऊपर डालते हैं ये चटनी। तो अब देख, ये देखिए पनीर सॉफ्ट है यहाँ पे, क्या बोलता है। और ये लेते हैं, बढ़िया है। वैसे देखो शूट करते टाइम कुछ चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, टेस्ट अच्छा कर रहा है, और चटनी इनकी सही है। इनका जो पुलाव है आप देख सकते हो, जो कि इन्होंने बाल्टी में दिया है, बहुत ही सही प्रेजेंटेशन। इसको भी हम लोग पहले एक बार ले करके देखते हैं। देख सकते हो इसमें, देखिए पनीर है, मटर है, एक बार लेते हैं और खा करके देखते हैं कि इसका स्वाद क्या बोलता है। ये देखिए प्याज है ना, ये जो बहुत सही लग रहे हैं। इसके अलावा अब हम ट्राई करते हैं एक कोई पनीर की सब्जी। ये देखिए, ये है इनका पनीर लबाबदार। एक बार मैं चाहता हूँ कि बिना रोटी के खा करके देखूँ। तो ये थोड़ा सा पनीर लिया हमने, और ये देखिए ये है प्रिपरेशन। हैव अ बाइट। वाह, टेस्ट है सच में। मैं आपको यहाँ पर ये खा करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स बहुत अच्छा है। इनका जो रेस्टोरेंट है ऊपर, जहाँ पे सिटिंग एरिया है, वहाँ लाइट थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ करके खा रहा हूँ। और आपको ये सब कुछ डिटेल में दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बाकी आप जब आते हैं तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, डाइन एरिया में बहुत ही सही बना हुआ है। कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं, अब इनकी मिक्स वेज एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये इनकी मिक्स वेज हम ले लेते हैं, ये आप देख सकते हो। इसको भी थोड़ा सा हम इसमें से निकालते हैं, ये देखिए, और यहाँ रखते हैं इसको। और इसमें मशरूम है, इसमें इन्होंने पनीर डाला है, मशरूम है, और बाकी वेजिटेबल्स हैं। तो अब इसको ब्रेड के साथ लेते हैं और खा करके देखते हैं। तो दोस्तों, जब अभी हम थाली लगवा रहे थे, तब प्रदीप जी ने यहाँ पे बताया था मुझे कि यहाँ पर कुछ लोग, कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो इनको सात्विक फूड के लिए बोलते हैं। मतलब अगर आप लहसुन प्याज के बिना वाला खाना खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इनको अगर एक घंटा पहले ऑर्डर करें तो आपको यही वाली प्रिपरेशन, यही वाली थाली बिना लहसुन प्याज के भी ये दे सकते हैं। कई लोग जो सात्विक भोजन खाना पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इवन इनका जो सुबह नाश्ता मिलता है, जिसमें समोसा और बैड़े ये देते हैं, तो वो जो सब्जी बनती है उसमें भी लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता। और उसके अलावा इनके जो समोसे होते हैं उसमें भी लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों, अभी मैं ये खा करके देखता हूँ एक बार, जो इन्होंने ये डोसा, और ये आ गई जी इसका सांभर, और ये आ गई चटनी। ये भी एक बार खा करके देखते हैं, मतलब एक डोसा के दो पीसेस करके, और अंदर मसाला एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पनीर भी डला हुआ है, आलू भी डला हुआ है, और बढ़िया से इन्होंने बना के दिया हुआ है। इसको देखिए, ये हम खोलते हैं और सांबर के साथ में एक बाइट बना करके खाते हैं। टेस्ट आप साउथ का टेस्ट ले लो, नॉर्थ का ले लो, बहुत सही टेस्ट कर रहा है यार। थाली वर्थ है, 999 की ये थाली है। और जिस हिसाब से इन्होंने ये चीजें दी हैं, मेरे ख्याल में इसमें भी मुझे कम से कम 20 तो डिशेस दिख रही है। तो 20 डिशेस के हिसाब से 999 में, और चार लोग एक साथ मिलकर के खा सकते हैं। ये जो इनके प्रेजेंटेशन है ना, आजकल हर किसी को क्या है, कुछ भी खाता है तो वो हमारे अपने डिश की पिक्चर जरूर लेता है, और इसकी पिक्चर लेना तो बनता है। प्रेजेंटेशन आपके सामने है, बहुत सही टेस्ट करिए सारी चीजें। अब क्योंकि हमने पनीर डिश ले ली, रोटी ले लेते हैं, और इसके नान के साथ में हम लोग एक बार इसकी जो मिक्स वेज है वो खा करके देखते हैं। ये देखिए मिक्स वेज मैंने अभी निकाली थी, इसमें मशरूम है, इसमें पनीर है, तो इसको लेते हैं। मशरूम को पहले मैं ले लेता हूँ जी थोड़ा सा, और इसको खा करके देखते हैं। इसमें जो ग्रेवी यूज हुई है पनीर की सब्जी में और मिक्स वेज में, सेम ग्रेवी मेरे ख्याल से यूज हुई है, लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जो होती है ना काजू और मगज की चटपटी ग्रेवी होती है, उसी में ही ये इनका मिक्स वेज भी बना हुआ है। बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत सही है, वर्थ है ये जो प्रिपरेशन है। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और दाल खा करके देखते हैं कि यहाँ की दाल जो है वो उसका जायका क्या बोलता है। तो ये ले लीजिए हमने बाल्टी दाल की, तो ये दाल ले ली जाए थोड़ी सी इसके अंदर। कंसिस्टेंसी तो बहुत बढ़िया लग रही है दाल की, ये देखिए। टेस्ट सारी चीज़ों में, दाल बढ़िया है, पनीर की सब्जी बढ़िया है, मिक्स वेज अच्छी थी, बट टेस्ट बहुत शानदार है। ब्रेड्स आपको बहुत सारी मिल जाती है, क्योंकि ये थाली चार लोगों के लिए है, और मेरे साथ भी जो टीम है चार लोगों की है,
तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करके अपनी टीम को बुला लेता हूँ, क्योंकि कैमरा के पीछे जो है उसको भी बहुत भूख लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, प्रिपरेशन आपने देखी, प्रेजेंटेशन आपने देखी, और एक चीज़ रह गई, स्वीट डिश भी हम लोग एक ट्राई करते हैं, लोग ट्राई करते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ ये इनका को, और इसको हालांकि रसमलाई बोला जाता है, तो ये हम एक बार, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, और ये देखिए वाओ। सो देखिए दिस इज द बाइट, मतलब खाना तो अच्छा है ही, स्वीट डिश, और क्यों ना हो, सर्वरिया जाना ही अपनी स्वीट्स के लिए जाता है, और सर्वरिया स्पेशल में रसमलाई भी आई जाती है। प्रेजेंटेशन, फूड एंड प्राइस, तीन चीजें होती हैं कहीं भी हम खाने जाते हैं, और वो तीनों चीजें मेरे को यहाँ पे बेस्ट लग रही है। झांसी बहुत अच्छा शहर है, मुझे तो खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगा, और जो इस खाने की मैं रेटिंग दूंगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए। पर अगर आप कभी भी प्लान करते हैं झांसी आने का, या अगर आप झांसी से हैं या आ रहे हैं, तो एक बार सर्वरिया जो रेस्टोरेंट है, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा, ये प्रेजेंटेशन खा के ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, हम हमारी वीडियो यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, उसके अलावा हम हमारी वीडियो डालते हैं फेसबुक एंड इंस्टा पे भी। इंस्टा पे आपको रील्स मिल जाती हैं, और फेसबुक पे कुछ दिनों बाद पूरी जो फुल वीडियो वो आपको मिल जाती है। और अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप मेरी वीडियोस के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम भी वेट करी है इस खाने का। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ उनके साथ में, अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, और अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।